Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQ's program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is Attempt to commit robbery is punishable under which section of the Indian Penal Code? Section 392, Section 393, Section 394, or Section 395? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा के तहत डकैती का प्रयास दंडनीय है धारा तीन सौ बानवे धारा तीन सौ तिरानवे धारा तीन सौ चौरानवे या फिर ऑप्शन बी सेक्शन थ्री नाइनटी थ्री इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा तीन सौ तिरानवे पनिशेबल अंडर सेक्शन थ्री नाइन थ्री ऑफ द इंडियन पीनल कोड This section has now been replaced by Section 309, Clause 5 of the Bharatiya Nyaya Sahita 2023. डकैती का प्रयास भारतीय दंड संहिता की धारा तीन के अंतर्गत दंडनीय अपराध है इस धारा को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3095 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन सेक्शन सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है धारा 17, धारा 18, धारा 19 या फिर धारा 20? ऑप्शन ए सेक्शन 17. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा सत्रह सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस टू एडमिशंस

सेक्शन ट्वेंटी फाइव सेक्शन ट्वेंटी फाइव और सेक्शन 27। भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा के तहत समय बाधित ऋण का भुगतान करने का वादा प्रवर्तनीय है धारा 18, धारा पच्चीस एक धारा पच्चीस तीन या फिर धारा 27। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन ट्वेंटी फाइव इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा पच्चीस तीन Recently in the case of Rajiv Kumar versus the State NCT of Delhi and another the Delhi High Court observed that presenting a cheque for a time-barred debt revives the debt under section 253 of the Indian Contract Act 1872 section 253 of the Indian Contract Act allows for the enforcement of a promise to pay a debt that is time-barred by limitation if such a promise is in writing and signed by the debtor हाल ही में राजीव कुमार बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि समय बाधित ऋण के लिए चेक प्रस्तुत करना भारतीय अनुबंध अधिनियम अठारह की धारा पच्चीस तीन के तहत ऋण को पुनर्जीवित करता है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा पच्चीस तीन समय सीमा समाप्त हो चुके ऋण का भुगतान करने के वादे को लागू करने की अनुमति देती है बशर्ते ऐसा वादा लिखित हो या ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित हो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सेवन पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित है धारा चार धारा पांच धारा छह या फिर धारा सात द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन सिक्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा छे

दोष सिद्धि को बरकरार रखा और की धारा गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए दंड से संबंधित है। छोवाइडी आर्टिकल थ्री हंड्रेड फिफ्टीन आर्टिकल थ्री हंड्रेड एटीन और आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के कार्यों का प्रावधान करता है अनुच्छेद तीन सौ बीस अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 318 या फिर अनुच्छेद 323 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिकल 320 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशनस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन active Chief Justice आर्टिकल a High Court? Article 214, Article 223, Article 224A, टू Article 229. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद दो अनुच्छेद दो ए या फिर अनुच्छेद दो सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन स्टेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड थैंक्स फॉर वॉचिंग इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा मिलेंगे अगले एपिसोड में धन्यवाद